नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं चमचमाती लाइटों को, ये राजगढ़ हजारी का नज़ारा है झांसी का, और प्रचार जोरों पर है। रात हो चाहे दिन हो, सूर्य भगवान ने वैसे भी गर्मी शांत कर दी, अब चुनाव की गर्मी है। अब 4 तारीख को चुनाव की गर्मी भी ख़त्म हो जाएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं महेंद्र यादव का काफिला, महेंद्र यादव ग्वाला जो कि पूरे काफिले के साथ जनसंपर्क में लगे हुए हैं, वार्ड नंबर 1 से कमल के फूल पर प्रत्याशी हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं महिलाओं को इनके जनसंपर्क में टेम्पू टैक्सी में भर के और राजगढ़ जनसंपर्क में आई हुई हैं। हम प्रत्याशी से पूछते हैं कि क्या विकास करेंगे जीतने के बाद और किस एजेंडे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और झांसी का खूब डेवलप हुआ है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, रात में लाइटें चमचमा रही हैं, दूधिया रोशनी जैसे क्रिकेट ग्राउंड होता है ऐसे ही सड़कें चमचमा रही हैं। अगर सुई गिर जाए तो सुई भी उठा लो। नमस्कार, कौन से वार्ड से आप खड़े हैं सर? मैं वार्ड नंबर 1 हजारी प्रथम से खड़ा हूँ। कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है? महेंद्र ग्वाला। कैसा जनसंपर्क चल रहा है आपका वार्ड? बहुत बढ़िया चल रहा है। और किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं? साफ सफाई के मुद्दे हैं, स्ट्रीट लाइट के मुद्दे हैं, अन्य जैसे पानी की समस्या, जल की समस्या, ये मुद्दे हैं। रोडों का उखड़ाव पड़ा है, उसकी रिपेयरिंग के कई ऐसे कई मुद्दे हैं। शिक्षा का मुद्दा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकृत कराने का मुद्दा है, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। प्रमुख समस्या है, एक तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो, उसको उच्चीकृत करा के 5 बेड का हॉस्पिटल बनाने का मुझे प्रयास करना है। दूसरा जो प्राथमिक विद्यालय है उसको उच्चीकृत करा के जूनियर हाई स्कूल बनाना है। तीसरा जल की अति समस्या है यहाँ पे, जहाँ हम खड़े हुए हैं वो अंजनी नगर हमारे वार्ड में ही आता है। यहाँ स्वास्थ्य के लिए जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको उच्चीकृत करा के मैं 5 बेड के हॉस्पिटल में परिवर्तित कराना चाहता हूँ। आपके यहाँ जिम नहीं है बच्चों के लिए, पार्क नहीं है? जी जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं प्रयास करूँगा कि जो अतिक्रमण हो जगहों पर, उन पर अतिक्रमण हट के और ओपन जिम बन सके, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। सड़कों संबंधित सारी समस्याओं का निदान मैं करूंगा। और पिंक टॉयलेट भी हमारे दोनों वार्डों में नहीं है, मैं प्रयास करूंगा कि पिंक टॉयलेट भी यहाँ पर बन सके। जैसा कि आप जीतते हैं, जनता भरोसा करती है, तो सर्वप्रथम आपके दिमाग में क्या है कि पहला काम हमको वो करना है? देखिए, एक तो शिक्षा के बारे में कि जो विद्यालय है वो प्राथमिक है, जूनियर नहीं है। अब आगे की शिक्षा के लिए अन्य वार्ड में जाना पड़ता है जो 3 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। मैं प्रयास करूँगा कि उनकी पूर्ण शिक्षा यहीं पर हो सके, उसे उच्चीकृत कराने का प्रयास करूँगा। जैसे कि अभी जो पार्षद थे जी, उन्होंने क्या कार्य कराए? उन्होंने जो कार्य कराए हैं वो उनके जो बन पड़ा उनने कराया है। मैं किसी की अच्छाई बुराई करना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने कार्य को बड़ी मजबूती के साथ करूँगा। धन्यवाद सर।